Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying Chapter 1, 6th class, General Science. Today we have a last lesson of this chapter, in which we are to discuss microscope, light microscope, and electron microscope use will be discussed in this lesson. Before starting this lesson, if any student has any question regarding previous lessons, you can ask. हाँ बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. सर, आपने प्रीवियस लेसन की वर्कशीट नहीं भेजी? अरे भेज दी हुई है, वो उसमें गूगल क्लास में आ चुकी हैं, पिछली वर्कशीट्स जो हैं. तो उसमें कुछ बच्चों ने तो मुझे सॉल्व करके भेज दी है, बाकी बच्चे भी सारे फिल करें और सॉल्व करें, सॉल्व करके मुझे भेजें. सर, सिर्फ 6 वर्कशीट्स भेजी है ना आपने? हाँ जी, 6 आई हैं अभी. सर, प्रीवियस लेसन की, प्रीवियस जो पिछला भी लेसन था. सर, बेटे 6 जो टोटल जाई वो आपके पास आई हैं वर्कशीट्स, वो 6 हैं अभी. ठीक है, बाकी आ जाएंगे. वो तो कर लिए मैंने, बाकी आ जाएंगे. ओके बेटा, यू शुड बी म्यूट, म्यूट योरसेल्फ. ऑल स्टूडेंट्स स्टे म्यूटेड. बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड है, जो पिछले लेक्चर्स हमारे हैं उनसे रिलेटेड? एनी स्टूडेंट? नो क्वेश्चन सर. जी सर, मुझे नहीं, गूगल क्लासरूम सेंड होता है, मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर दियो करूं? नहीं बेटे, गूगल क्लास के अंदर ही चेक होगा ना, व्हाट्सएप पे तो चेक नहीं होता. ओके सर. मैंने ग्रुप के अंदर गूगल क्लास का, बेटे मैंने ट्यूटोरियल जो सेंड किया हुआ ना गूगल क्लास में, वो ट्यूटोरियल देखें या मेरे चैनल के ऊपर देखें, उसको वॉच करें और आपको पता चल जाएगा कैसे आपने असाइनमेंट सेंड करनी गूगल क्लास में, उसको यूज कैसे करना. आपको बताया गया कि सेल्स जो है दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, के सेल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो हमें फिर किस चीज की जरूरत है? वी नीड टू मैग्नीफाई देम इन ऑर्डर टू सी देम क्लियरली, कि उनको देखने के लिए हमें उनको बड़ा करना पड़ता है, बड़ा करके देखना पड़ता है. तो सेल्स, बेटे म्यूट कर लें खुद को. सेल्स को पहले हमें मैग्नीफाई करना पड़ता है ताकि हम उन्हें क्लियरली देख सकें. इब्राहिम, म्यूट योरसेल्फ. इब्राहिम बेटे म्यूट कर लेंगे उसको. सर. यस सर, मैं इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से लीव हो गया सर, तो मेरी एब्सेंट मार्क तो नहीं हुई? नहीं होगी. हाँ जी बेटे, आपको बताया कि सेल्स जो हैं, लेकिन अब नहीं लीव करना, ये आप नोट होंगे बार बार, बिकॉज सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, हम इनको क्लियरली देख कैसे सकते हैं? मैग्नीफाई करके. मैग्नीफाई करना होता है बड़ा करना. अब इनको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं? तो बेटे माइक्रोस्कोप के जरिए हम इनको बड़ा करके देख सकते हैं. इसमें आपसे आपको बताया गया कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास या हैंड लेंस आपने अगर कभी देखा हो या यूज किया हो, बेटे आपने किसी ने यूज किया मैग्नीफाइंग ग्लास को? ठीक है बेटे, जब स्कूल में हमारी फिजिकल क्लास होगी तो वहां भी आपको इसका यूज जो है वो बताया जाएगा और दिखाया जाएगा. ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास या हैंडलेंस बेटे जो है, इसके जरिए आप देखते हैं कि जो मतलब राइटिंग है, कोई बारीक सा लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर अगर आप उसको फोकस करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, तो आपको बहुत बड़ी राइटिंग नजर आती है. ऐसे ही है ना, जिन्होंने देखा है? ओके ओके. तो ग्लास ऑफ द लेंस जो है, ये क्या कहता है? बेंड्स लाइट वेव्स इन अ वे दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट लुक बिगर. तो वो जो हैंड लेंस है या मैग्नीफाइंग ग्लास है,
तो उस वो क्या करता है, लाइट वेव्स को बेंड करता है, और लाइट वेव्स को बेंड करने की सूरत में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाता है। ये इमेज फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है लेंस के जरिए, जैसे कि साइज बड़ा हो जाता है। एन ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये भी यूज करती है मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग लेंसेज यूज करती है, विच आर फिक्स्ड इन इट्स ट्यूब टू मेक द थिंग्स लुक बिगर। ये बेटा जैसे आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप आपके सामने है, इसमें एक जो लेंस है ये इधर सामने होता है जिसको आईपीस कहते हैं, और एक ये ऑब्जेक्टिव की तरफ होता है ये वाला लेंस जो है। ये थ्री लेंसेज डिफरेंट पावर्स के लगे हुए हैं, तो ये दो लेंसेज जो हैं एट ए टाइम दो लेंसेज यूज होते हैं, एक आईपीस यूज होगा और एक इन तीनों में से एट ए टाइम एक यूज होगा। तो बताया आपको कि जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर भी ये मैग्नीफाइंग लेंसेज जो हैं वो यूज होते हैं, जो माइक्रोस्कोप की ट्यूब के अंदर फिटेड होते हैं। ये ट्यूब है जिसके अंदर ये लेंसेज जो हैं वो फिट होते हैं, एक ऊपर की साइड पे और एक ट्यूब की नीचे साइड निचले साइड पे जो है। टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स बिगर अ माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज, अगर आप देखना चाहते हैं बेटे, देखना चाहते हैं कि कोई, हाँ जी सर, अलहदा अटैच करनी है अलग अलग बेटे, अलग अलग वर्कशीट होनी है। अभी टॉपिक की तरफ तवज्जो रखें। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि कोई माइक्रोस्कोप जो है वो कितने टाइम्स जो है इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करेगी, बड़ा करके दिखाएगी, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपने देखना होगा कि आपका जो आई पीस यूज हो रहा है माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो उसके ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है, और वो नंबर नोट करना है आपने जो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लिखा हुआ है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये आपका जो है वाई पीस है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है यूजुअली क्या लिखा होता है, 10x10 या x15, ठीक है, 10 या 15 लिखा होता है। x10 का मतलब ये है कि ये 10 गुना करता है साइज को, और x15 का मतलब ये है कि ये 15 गुना यानी 15 टाइम्स साइज को जो है वो एनलार्ज कर देता है। तो हमने मैग्निफिकेशन जब माइक्रोस्कोप की फाइंड करनी है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आईपीएस की पावर को और जो ये ऑब्जेक्टिव है इसकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये मैग्नीफाइंग पावर होती है दोनों लेंसेज की, लेकिन कंबाइंड मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगी, इन दोनों की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से। जो आईपीएस की पावर है वो, और इधर जो ऑब्जेक्टिव की पावर होगी उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़े याद रखें, ये जो 10x10 या x15 है ये तो इस आईपीएस की पावर होगी एट ए टाइम, जो भी आप यूज करें, आप 10 वाला यूज करें या 15 वाला, बाद में आपने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर लिखी वैल्यू के साथ। तो इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर मिलती है। यहाँ पे आपको बताया गया कि माइक्रोस्कोप इन द पिक्चर जो है बिलो, इट इज मैग्नीफाइंग 100 times। ये माइक्रोस्कोप जो है 100x100 का मतलब क्या है, ये 100 times साइज को बड़ा कर देगी, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं उसका साइज 100 गुना बड़ा करके दिखाएगी। इट कैन ऑल्सो मैग्नीफाई बाई 40 times और 400 times इफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर यूज। देखिए इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं वो यूज किए गए हैं, तो हर एक की पावर जो है वो डिफरेंट है। जो आप लेंस यूज करेंगे वो अपनी पावर के मुताबिक मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट के साइज को। फिर इस माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को दोबारा देख लें। ये देखें, ये आई लेंस है, आई पीस जो ऊपर यूज किया, आई पीस लेंस जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं, तो ये x10 या x15 यानी ये 10 गुना या 15 गुना जो है वो मैग्निफिकेशन की पावर रखता है। उसके बाद ये ट्यूब होती है जो कि आईपीस को और ऑब्जेक्टिव्स को आपस में मिलाती है, कनेक्ट करती है। देखिए आईपीस ऊपर है और ये ऑब्जेक्टिव्स नीचे हैं। उसके बाद इधर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आर्म शो किया, ये आर्म जो है ये एक तो सपोर्ट करता है ट्यूब को और उसको बेस के साथ कनेक्ट करता है। ये नीचे वाला ऐसा बेस है, तो ये आर्म, ये जो इसकी ट्यूब है
ड्रॉ ट्यूब जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप की, उसको बेस के साथ कनेक्ट करता है और हम हैंडलिंग भी माइक्रोस्कोप की इसी के साथ करते हैं। यहीं से हम इसको पकड़कर मूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं इसी आर्म से पकड़कर। उसके बाद नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है कोर्स फोकस, इसको कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू भी कहते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। इसके जरिए ये जो बाहर वाला थिक आप देख रहे हैं बड़े साइज में, इसके जरिए हम ये जो दूसरा स्टेज है, स्टेज को हम तेजी से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं ये वाला, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे स्लाइड रखी होती है फिक्स करके, और स्लाइड के ऊपर हमारा स्पेसिमन होता है जिसको देख रहे होते हैं, तो इस कोर्स फोकस के जरिए इसे तेजी से ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। उसके बाद ये जो स्मॉल साइज में देख रहे हैं उसी थिक कोर्स फोकस के अंदर, ये वाला जो बटन आप देख रहे हैं ये फाइन फोकस कहलाता है, या इसे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं। इसके जरिए हम इसी स्टेज को बहुत ही स्लोली जो है ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और मूव क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो दरमियानी डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए। बेटे म्यूट रहे जो म्यूट नहीं है इस वक्त। आपने जैसा हैंड लेंस को अगर देखा हो तो हैंड लेंस को हमें एक खास हाइट पे ऑब्जेक्ट से एक खास डिस्टेंस पे फिक्स करना, फोकस करना पड़ता है और तब हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नजर आता है। इसी तरह से जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो लेंस और ऑब्जेक्टिव का दरमियानी डिस्टेंस जो है इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप कोर्स फोकस अगर तेजी से मूव करना हो ज्यादा डिस्टेंस से, फॉर एग्जाम्पल, तो पहले उसे मूव करते हैं, उसके बाद फाइन फोकस के साथ उसको एडजस्ट करते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए ऑब्जेक्ट। अभी बेटे जिसने हाथ खड़ा किया है सिर्फ एक मिनट में ये इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर लूं। ये राइट साइड पे देखें तो रिवॉल्विंग नोज पीस आपको बताया गया, या टररेट जैसे कहते हैं, टररेट जो है इसी रिवॉल्विंग नोज पीस को ही कहते हैं, जिसके साथ ये ऑब्जेक्टिव लगे हुए हैं। बताया कि इट होल्ड्स टू और मोर ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड कैन बी टर्न्ड इजीली टू चेंज मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस नोज पीस को या टररेट को हम घुमाकर किसी भी लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। उसके बाद ये नीचे थ्री ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शो किए गए, ये यूजुअली जो है माइक्रोस्कोप में तीन या चार होते हैं और डिफरेंट मैग्निफिकेशन के होते हैं। उसके बाद देखें तो ये स्टेज है, ये फ्लैट पीस होता है जहां पे हम स्लाइड को रखते हैं और स्लाइड जो है उसको स्टेज के ऊपर हम होल्ड कर सकते हैं। इसके जो है यहाँ पे ये क्लिप्स लगे होते हैं, इन क्लिप्स के जरिए स्लाइड को यहाँ फिक्स कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें तो ये कंडेंसर लेंस शो किया है, ये कंडेंसर लेंस जो है ये फोकस करता है लाइट को स्पेसिमन के ऊपर, जबकि उसके नीचे देखें तो ये इल्यूमिनेटिंग सिस्टम जो है ये मिरर होता है, ये मिरर होता है जो कि लाइट को फोकस करता है कंडेंसर लेंस के ऊपर, या फिर ये लाइट सोर्स होता है जो लाइट को थ्रो करता है कंडेंसर लेंस पे। और इसके बाद आप ये देखें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको शो की गई है ये वाली, ये डायफ्राम का हैंडल है कि इसको हम मूव करके डायफ्राम के जरिए ये जो कंडेंसर का होल है इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली लाइट जो है वो पास होगी ऑब्जेक्ट की तरफ। ये देखें मेंशन करें कि डायफ्राम आर आरएस वेरीज द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द स्लाइड। तो ये बेटे इसके डिफरेंट पार्ट्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। अब्दुल्ला कामरान जी सर, बेटे आप म्यूट क्यों नहीं होते, सारे बच्चे जब म्यूट हैं आप पूरे लेसन में अनम्यूट रहे हैं और आपकी तरफ से मुसलसल शोरत, मैं इसको नोट कर चुका हूँ, मैं इसके पेरेंट्स से भी बात करता हूँ। सर कसम से सर, मैंने एक दफा भी सर ये जो सब लड़का कह रहा है ना बकरियों वाली आवाज, सर ये मैंने नहीं निकाली, मैं बीच में अनम्यूट भी हुआ था, मुझे मम्मा ने कुछ कहा था बुलाया था, मैंने नहीं सर पूरे लेक्चर में। ओके, बी साइलेंट नाउ, बी साइलेंट नाउ। तो बेटे पूरी क्लास में
बेटे पूरी क्लास में आप अकेले अनम्यूट हैं इस वक्त भी, या पहले मैं जो नोट कर रहा हूं आपको, आपको आप क्या समझते हैं कि पता नहीं चलता? आप जिस वक्त भी बोल रहे हैं बेटे, बाकी बच्चे साइलेंट रहे, मुझे खुद को पता है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं नोट कर चुका हूं। जब आप बोलते हैं आपका नाम ही मेरे सामने स्क्रीन पे आता है, इसलिए आपको क्लियरेंस की जरूरत नहीं है या किसी और बच्चे को। आपको मैंने जस्ट वार्न किया कि अभी आप म्यूट हो जाएं ताकि लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। अच्छा बेटे, मैंने आपको ये माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स एक्सप्लेन किए। ये बच्चा एनान इब्राहिम, क्या नाम है बेटे का? आप बेटे जस्ट हैंड रेस किया, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मुझे ना आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस की समझ नहीं आई थी, क्या आप उन्हें दोबारा समझा देंगे? ठीक है मैं बता देता हूँ, म्यूट हो जाएं और सुन लें। बेटे आईपीस जो है, आईपीस ये वो लेंस होता है जिसके जरिए हम देखते हैं, ये ट्यूब की अपर साइड पे होता है, और नोज पीस इसको कहते हैं, ये जो नीचे आप इस रिवॉल्विंग पार्ट इसका देख रहे हैं जिसको टरेट भी कहते हैं, ठीक है, इसके नीचे ये थ्री लेंजेज यहाँ पे शो किए गए हैं। ये तीन या चार लेंजेज होते हैं जो डिफरेंट मैग्निफिकेशन के होते हैं, इनकी मैग्निफिकेशन पावर डिफरेंट होती है, और एट ए टाइम हम टरेट को घुमाकर सिर्फ एक लेंस जो है उसको स्लाइड के ऊपर फोकस करते हैं। इन दोनों के बेटे, दोनों के जरिए ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई किया जाता है, और मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप की फाइंड करने के लिए हम दोनों की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, समझ आ गई आपको? ओके आगे बेटे, आपको बताया गया फोकसिंग ऑन माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप हम फोकस कैसे करते हैं। करेक्ट वे टू फोकस ऑन माइक्रोस्कोप क्या है? टू स्टार्ट विद द लोएस्ट पावर ऑब्जेक्टिव, जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्टिव है, जो छोटी पावर का है, उससे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसको यूज करते हैं, उसके बाद हम बाकी लेंसेज की तरफ जाते हैं। व्हाइल लुकिंग फ्रॉम द साइड यूज द कोर्स फोकस टू ब्रिंग द लेंस डाउन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द स्पेसिमन विदाउट टचिंग इट। बेटे ये देखें, ये लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ स्लाइड के ऊपर होता है। हम इस स्टेज को ऊपर नीचे मूव करते हैं कोर्स फोकस के साथ, और ये एहतियात रखनी होती है कि जो स्लाइड है ये लेंस को टच ना करे। टच करेगी, आप ज्यादा मूव करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर स्टेज को ज्यादा ऊपर मूव करते हैं तो आपकी स्लाइड ब्रेक हो सकती है, तो लेंस से थोड़ा डिस्टेंस पे रहनी चाहिए स्लाइड। नाउ लुक थ्रू द आईपीस, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आईपीस में से देखना है, और कोर्स फोकस को यूज करते हुए आपने ऑब्जेक्टिव लेंस को, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसको ऊपर नीचे मूव करना है, या फिर स्टेज जो है, ये डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स में डिफरेंट केसेस होते हैं, कुछ में जो है वो लेंस ऊपर नीचे मूव होता है, कुछ में स्टेज जो है वो मूव होता है, तो दोनों केसेस में से जो भी केस हो, आपने ऑब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव और स्लाइड का दरमियानी जो फासला है उसको कम या ज्यादा करना है, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो सही तौर पर फोकस हो सके। वंस द इमेज सीम्स शार्प, जहां पे आपको इसका इमेज बड़ा वाजे नजर आता है लोअर पावर लेंस के साथ, यानी सबसे पहले आपने लोअर पावर लेंस यूज किया, जब आपको ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज क्लियर नजर आ गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो कि नोज पीस रिवॉल्विंग पार्ट होता है उसको रिवॉल्व करके नेक्स्ट लेंस को यूज करना है, जो बड़ी पावर का है, बड़ी पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसको आपने यूज करना है। और अगर इमेज शार्प फोकस नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, स्मॉल टर्न्स ऑफ द फाइन फोकस, कि फाइन फोकस को आहिस्ता आहिस्ता आपने घुमाना है ताकि जो इमेज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जिस वक्त आपको इमेज ज्यादा क्लियर नजर ना आ रहा हो, आपने आपने क्या करना है, कोर्स फोकस को नहीं मूव करना बल्कि फाइन फोकस को मूव करके इमेज को क्लियर करना है। नेक्स्ट के बताया कि कंटिन्यू विद इवन हायर पावर ऑब्जेक्टिव लेंसेज इफ यू विश एंड फाइन फोकस ईच, यानी उसके बाद आप बड़ी पावर के लेंसेज यूज करें और फाइन फोकस से ऊपर नीचे मूव करके स्लाइड को जो है आप फोकस करें। बेटे को क्वेश्चन है इसे रिगार्डिंग आपका फोकसिंग से रिलेटेड?
ओके नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बताया कि बेस्ट काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो हैं, दे कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अप टू अबाउट 3000 टाइम्स, ठीक है 3000 गुना बड़ा कर सकती हैं आप साइज को, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसका इमेज 3000 गुना बड़ा करके दिखा सकती हैं। हाँ जी, अगर इंटरनेट का इशू हो तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि माइक्रोस्कोप्स जो अच्छी क्वालिटी की हैं, बेस्ट काइंड ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स जो हैं, वो 3000 टाइम्स मैग्नीफाई करके आपको दिखा सकती हैं इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का। इट्स पॉसिबल टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अ मिलियन टाइम्स, मिलियन ये बड़ा पूछे मिलियन कहते नहीं बेटे, इससे ज्यादा भी होती है। देखिए आपको बताया जा रहा है ना कि मिलियन टाइम्स यानी 1,000,000 गुना भी बड़ा करके देख सकते हैं और मोर, या इससे भी ज्यादा कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये बड़ा पूछे क्वेश्चन है तो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटे आपको शायद ना आ रही हो क्योंकि आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही थी, बाकी बच्चों का आवाज सही आ रही है इंडिविजुअल okay. आपका मसला हो सकता है, आप लेक्चर बाद में सुन सकते हैं रिकॉर्डेड जिसका प्रॉब्लम हो। बेटे आपको बताया गया कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो पहले मैंने डिस्कस किए उसकी मैग्निफिकेशन तो 3000 टाइम्स तक है, 3000 गुना बड़ा कर सकती है वो ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज आपको 3000 गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 1,000,000 गुना या 1,000,000 से भी ज्यादा गुना बड़ा करके इमेज को दिखा सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज 1,000,000 या उससे भी ज्यादा बड़ा करके दिखा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट, इसमें हम लाइट नहीं यूज करते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शॉ यूज करते हैं। Just wait a 1 minute, those who have raised hands. Electron beam use hoti hai electron microscope ke andar. So electrons are invisible parts of an atom. Electrons jo hain, ye fundamental particle hain atom ke jo ke nazar nahi aate. One kind of electron microscope jo hai, it looks through thin sections of specimens. Specimen ke barik sections mein se jo hai dekh sakte hain uske zariye. And other kind of kind जो है, it scans the surfaces of specimens. यानी एक किस्म की जो माइक्रोस्कोप है उसके जरिए हम स्पेसिमन के बारीक बारीक जो हिस्से हैं उनमें से देख सकते हैं, जबकि दूसरी जो है वो स्कैन करती है सर्फेसेस ऑफ स्पेसिमन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोड्यूस अ पिक्चर ऑन अ स्क्रीन इन अ सिमिलर वे टू अ टेलीविजन सेट और अ कंप्यूटर कंप्यूटर मॉनिटर जो होता है, जैसा मॉनिटर के ऊपर आप पिक्चर्स को देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्क्रीन के ऊपर आपको बिल्कुल उसी तरह की पिक्चर जो है वो शो करेंगे जैसा आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं या टीवी की स्क्रीन पे पिक्चर्स देखते हैं। न्यूएस्ट मॉडल्स जो हैं दे आर ऑपरेटेड विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड माउस, ठीक है माउस के जरिए और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए हम माइक्रोस्कोप्स को ऑपरेट करते हैं। व्हाइल अ बिल्ट इन कैमरा कैन टेक फोटोग्राफ, तो इनके अंदर बैठे अंदर ही कैमरा होता है, बिल्ट इन होता है, यानी इनका अपना कैमरा होता है जो कि फोटोग्राफ्स यानी पिक्चर्स लेता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैव अलाउड साइंटिस्ट टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट वर इनविजिबल टू पीपल यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप्स, के वो ऑब्जेक्ट जो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते थे क्योंकि वो तो 3000 टाइम्स ही एनलार्ज कर सकती थी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के साइज को, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ऐसी चीजें भी देखी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको शो किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बताया कि कैन शो मच मोर डिटेल देन अ लाइट माइक्रोस्कोप, ये आपको उसकी डायग्राम शो की गई है। तो ये बेटे इस माइक्रोस्कोप के बारे में था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे पहले हमने लाइट माइक्रोस्कोप देखी। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, एनी स्टूडेंट सर। हाँ जी सर, आपने जो हमें व्हाट्सएप पर बेसिक फैक्ट्स को के साथ नोट्स भेजे थे साइंस के, सर मैं नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के क्या पेस्ट कर लूं? बेटे प्रिंट आउट निकाल कर नोट्स का पेस्ट नहीं करना, नोट्स आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं कॉपी में,
सिर्फ जो बेसिक फैक्ट्स की वर्कशीट है उसका प्रिंट लेकर आपने कॉपी में पेस्ट करना है। मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछे मैं आगे ताकि एक्सरसाइज डिस्कस कर लो। एनी स्टूडेंट इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, माइक्रोस्कोप इज फीचर्ड विद ए एक्स फाइव आईपीएस, यानी आईपीएस की पावर क्या है 5 times, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 20 times बड़ा करता है इमेज को। तो विच आंसर बिलो शोज हाउ मच ऑब्जेक्ट विल बी मैग्नीफाइड। बेटे इसमें तो वैसे सर्कल किया हुआ है आंसर को, तो ये डी ऑप्शन 100 times। 100 times कैसे मिला, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने से, 5 × 20 100 होता है। सेकेंड क्वेश्चन है Which of the following is not a tissue? आपने बताने में से टिश्यू कौन सा नहीं है, बोन, नर्व, ब्लड, स्टमिक या एपिथेलियम? डी ऑप्शन स्टमिक। Why do you usually need? बेटे स्टमिक जो है ये टिश्यू नहीं है, बाकी सारे टिश्यूज हैं, स्टमिक ऑर्गन है, तो डी ऑप्शन आपकी होगी इसमें। उन्होंने पूछा कौन सा जो है वो टिश्यू नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, Why do you usually need to cut a very thin slice of a specimen to look at it under a light microscope? पूछा कि light microscope? नेट का इशू किसी वक्त हो सकता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा बेटे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे स्पेसिमन को देखने के लिए आपको बहुत बारीक सेक्शन क्यों काटना पड़ता है, ताकि हम सेल्स को डिटेल से देख सकें, so that we can see details, see cells clearly, ताकि cells को clearly देख सकें, इसलिए बारीक हम tissue का उसके जो slice काटते हैं या section काटते हैं। sir हाँ जी sir, जो stomach होता है वो भी तो tissue से मिलकर बनता है, क्योंकि वो मिलकर बनता है ना, tissue से मिलकर बनता है, खुद तो tissue नहीं है। अब ये meeting दोबारा join करेंगे, दोबारा meeting join करेंगे just for 5 minutes, जब disconnect हो जाए एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाई आर सेल्स स्टेन्ड और डाइड बिफोर बीइंग लुक्ड एट विद अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखने की खातिर हम सेल्स को स्टेन क्यों करते हैं या डाई क्यों लगाते हैं, ताकि सेल्स की डिटेल्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है, टू मेक द डिटेल्स ऑफ द सेल्स क्लियरली विजिबल, इसलिए हम स्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, How many cells are there in a unicellular organism? Name two examples. Excuse me, sir. Yes. बेटे क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे थे। How many cells are there in a unicellular organism? के unicellular organism में कितने cells होते हैं? हाँ जी बेटे बताएंगे आप? कितने cells होते हैं unicellular organism में? Sir, one cell, yes. Sir, one cell. Only one cell, yes. Sir, उसको amoeba and amoeba. Two examples पूछिए unicellular organism की, तो कौन सी examples देंगे? Amoeba and chlorella. बेटे amoeba, amoeba. Amoeba and cholera. बेटे सुन ले amoeba. क्या कहते हैं उसको? Amoeba. Okay. दोबारा बोलें. Amoeba. Amoeba. Chlorella. Amoeba. Yes. Okay. Chlorella. Amoeba and chlorella, ये इसके examples होगी। Question number 6, name 3 different types of specialized cells and which part of the cell determines how it will specialize? 3 specialized cells के नाम बताने आपने, आप बड़े पढ़ चुके हैं पिछले chapter के अंदर। सर palisade cell, root hair cell, palisade cell, well done, palisade cell, okay okay बेटे आप mute हो जाएं। Palisade cells, red blood cells, root hair cells, ये 3 किस्म के specialized cells आपने पढ़े, और भी पढ़े लेकिन उन्होंने 3 पूछे, आपको इसे 3 बता सकते हैं। साथ पूछा है कि which part of the cell determines how it will specialize? कि cell का कौन सा ऐसा ये determine करेगा कि cell कैसे specialize होना? Nucleus, बिल्कुल ठीक। Nucleus, yes, nucleus of the cell determines. Nucleus, sir, nucleus. Nerve cell. बेटे nucleus. न्यूक्लियस जो है ये डिटरमिन करता है कि सेल कैसे स्पेशलाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? क्या फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल।
ठीक है बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स कंट्रोल्स व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट्स? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन साइड द क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट आपको बताया गया कि डायग्राम शोज अ टिपिकल सेल फ्रॉम द लीफ ऑफ अ प्लांट. मैच ईच नेम फ्रॉम लिस्ट टू द करेक्ट लेटर ऑन द डायग्राम. लिस्ट कौन सी है? न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट. अच्छा बेटे, जैसे मैं पूछूंगा वो बताएंगे. हाथ खड़ा करें जो बता सकते हैं लेबलिंग. हाशिम, फर्स्ट ऑफ ऑल हाशिम इज देयर हु हैज रेज्ड हैंड. हाशिम, हाशिम बेटे आवाज नहीं आ रही. अयान जी आ रही हूँ. ओके हाशिम बेटे बताएंगे ये सी पार्ट क्या है. सी पार्ट, सी किसकी लेबलिंग है? सर मैं बताऊं? अयान सगीर, अयान सगीर, अयान बेटे आप बताएंगे. सर वैक्यूल बेटे, सी पार्ट मैंने पूछा, सी वैक्यूल नहीं है. अली अमजद सर के नाम, अली अमजद सर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म. करेक्ट आंसर इज देयर साइटोप्लाज्म. सी साइटोप्लाज्म की लेबलिंग है. उसके बाद नेक्स्ट जो है अली अमजद. अली अमजद सर आपने मुझसे कैसे? अयान सर के ना है. सर मैं था. पहला क्वेश्चन अली अमजद ने बताया ना. हाँ जी मैंने. ओके ओके नेक्स्ट जो है अयान सगीर. सर के ना है. अयान सगीर है या अयान सागर? पूरा नाम क्या है सर? अयान सगीर. अयान सगीर, अयान सगीर बेटे आप बताएंगे ये डी जो है ये किसकी लेबलिंग है? सर वैक्यूल. वैक्यूल, वेल डन. डी जो है वैक्यूल है. प्लांट्स के अंदर बेटे बड़ा वैक्यूल होता है, परमानेंट वैक्यूल, ओनली वैक्यूल भी कह सकते हैं, लार्ज साइज का वैक्यूल होता है. ओके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में पूछ रहा हूं अली तासीर. अली तासीर बेटे आप बताएंगे ये ई जो है ये किसकी लेबलिंग है? ई क्या चीज है? सर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, वेल डन. ई क्लोरोप्लास्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन भाविक बताएगा. भाविक, भाविक सर यस. आप बेटे बताइए ए किसकी लेबलिंग है? सर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, एक्सीलेंट. और सर बी सेल्यूलोज सेल वॉल. बेटे आपसे मैंने पूछी नहीं. वो साद सफदर है. सारे आनी मैम बता दे, मैं बता दूं. साद सफदर, साद इब्राहिम. यस सर. बड़े आप बताएंगे बी किसकी लेबलिंग है? सर सेल वॉल. सेल वॉल, ओके. बड़े यहाँ पे जब आप क्लास में शो हो रहे होते हैं फिजिकली प्रेजेंट रहा करें, बाद बच्चे जो हैं वो भूख कर जाते हैं आगे पीछे. ओके ये लेबलिंग बेटा कंप्लीट हुई. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 के. अरेंज दीज पार्ट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी. ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन सिस्टम है. बेटा सबसे लोअर लेवल कौन सा होगा? सेल. सेल. उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट. यूजिंग ईदर लेबल्ड ड्रॉइंग्स आर जस्ट वर्ड्स मेक अप अ सिमिलर सीक्वेंस फॉर अ ह्यूमन बीइंग और सम अदर एनिमल.
उन्होंने कहा कि पेज 9 के ऊपर जो सीक्वेंस दी गई है यह मैं आपको पहले सीक्वेंस दिखा देता हूं। ये देखें, ये वाली सीक्वेंस जो कि प्लांट्स के अंदर दिखाई गई थी, आपको पता है कि ऐसे ही सीक्वेंस आपने एनिमल सेल की या ह्यूमन बींग्स की जो है वो बनानी है, वर्ड्स के साथ बता सकते हैं। तो बेटे हम नर्व सेल से शुरू कर सकते हैं, सुन लें तवज्जो से। नर्व सेल्स जो हैं, नर्व सेल्स मेकअप नर्व टिश्यू। नर्व सेल्स क्या बनाते हैं? नर्व टिश्यूज बनाते हैं। म्यूट रहे सब बच्चे। नर्व सेल्स मेकअप नर्व टिश्यूज। तो बेटे जो नर्व टिश्यूज हैं ये आपस में, ये दूसरे सिमिलर टिश्यूज के साथ मिलकर ब्रेन बनाएंगे। नर्व टिश्यूज ब्रेन बनाते हैं जो कि ऑर्गन है। अब ब्रेन जो है विद अदर ऑर्गन्स इट मेक्स नर्वस सिस्टम। अब वो एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद अदर सिस्टम्स इट मेक्स अप ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है अदर सिस्टम्स के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म, जो कि हम इंसान की बात कर रहे थे, दैट विल बी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नर्वस सिस्टम अदर सिस्टम्स के साथ मिलकर ह्यूमन बीइंग बनाएगा, यानी ऑर्गेनिज्म। बड़े समझ आ गई आपको इस सीक्वेंस की? और बेटे आवर चैप्टर इज ओवर नाउ। टुमारो वी शैल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड टुडे वी शैल रिसीव योर वर्कशीट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बेटे आपकी वर्कशीट में आएंगे, जो आपने नीट कॉपी पे तो लिख लिए होंगे, लेकिन आप एक सेपरेट लूज शीट के ऊपर, रफ पेज के ऊपर ये क्वेश्चन जो है याद करके इनके आंसर लिखेंगे और वो आंसर मुझे सेंड करेंगे। तो बेटे आंसर लिखते हुए ये ख्याल करना है कि सिर्फ आंसर नहीं लिख देना, बेटे ऊपर क्वेश्चन भी होना चाहिए, क्वेश्चन भी लिखना है ताकि पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। पहले क्वेश्चन का नंबर डालें, क्वेश्चन लिखें, उसके नीचे उसका आंसर है। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।